हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में आकाश अग्रवाल जी बैठे हुए हैं जिन्होंने नवंबर 2023 में अपना सीए फाइनल का एग्जाम दिया और आज इनका रिजल्ट आया है और एज एक्सपेक्टेड इनका ऑल इंडिया रैंक है। ऑल इंडिया रैंक 20th इनका आया है। बहुत अच्छा इनका फाइनेंशियल और एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। एसआरसीसी से ग्रेजुएट इन्होंने किया है, डेलॉयट में ये आर्टिकलशिप करते थे और फाइनेंस में भी इनका स्पेशल रुचि था। और मेरे जो स्टूडेंट है आदित्य मित्तल, जिनका 100 out of 100 आया था, डेफिनेटली सेम कॉलेज के थे और इन्होंने काफी वो उनसे मोटिवेटेड हुए और उन्होंने मेरे से फिर क्लासेस ली। और फाइनेंस में इनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, फ्यूचर में ये आगे जाकर फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आकाश जी बताइए, ओवरऑल क्लास कैसा लगा? जो प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट की बातें हम कहते थे क्लास में, वो आपको कैसी लगी? जो बेस से हम पढ़ाते थे, ये मान के कि बच्चा इंटर में कुछ भी नहीं आता हो, तभी फाइनल में अगर आए तो पूरा बेस उसका क्लियर कर दिया जाएगा। क्लास के जो नोट्स दिए जाते थे, जो रिवीजन टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहते थे, सारा कंप्रेहेंसिव कवरेज था। बहुत हैवी लेवल पर हम लोग कवरेज हमने किया कि ये पता था कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं आना, इससे क्या कम कर दे वो बहुत है, लेकिन इससे बाहर तो कुछ नहीं आ सकता। पूरी जर्नी बताइए ताकि दूसरे लोग आपको देख रहे हैं आपसे मोटिवेटेड जरूर होंगे। जैसे आपने आदित्य मित्तल को देख के मोटिवेट हुए इंटरव्यू देख के, तो आपका इंटरव्यू देख के अब दुनिया मोटिवेट होने वाली है। जरूर जरूर। तो आपने आई थिंक सब कुछ अच्छे से समराइज कर ही दिया, बट मैं फिर से यही रिपीट करूंगा कि द रीजन आई ऑल्सो टू क्लासेस फ्रॉम यूएस कि मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में था एंड मुझे लॉन्ग टर्म अपना करियर भी फाइनेंस में ही बनाना था। ऑल दो आर्टिकलशिप के टाइम पे इतने ऑप्शन नहीं होते हैं, सो आई वॉज वेरी श्योर कि लॉन्ग टर्म आई वॉन्टेड अ फाइनेंस करियर। एंड मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, आदित्य मित्तल वॉज वन ऑफ देम जिनका मैंने इंटरव्यू देखा था। एंड देन आई वॉज ड्रिवन टू टेक क्लासेस फ्रॉम यू एंड बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर था, सो आई गॉट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस थ्रू आउट द कोर्स एंड इवेंचुअली दैट हेल्प्ड मी टू डू वेल इन द एग्जाम्स ऑल्सो। वेरी गुड। सो यू आर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर SFM एग्जाम्स और कि हाँ, इस बार अच्छा पेपर हो गया, क्लियर अच्छे से हो जाएगा। हाँ राइट, आई थिंक वी वर ऑल्सो लकी, हमारा पेपर भी इस बार इजी आया था नवम्बर 23 में, सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। चलिए, मतलब एग्जाम के पहले कैसे रिवीजन किया आपने अपने नोट्स का? तो मैंने क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करे हुए थे, मैंने मेजरली स्टडी मटेरियल का यूज़ किया था पढ़ने के लिए, तो मैंने क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करे हुए थे जो मुझे वही वन डे में प्रैक्टिस करने हैं। बाकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो तो आप मोस्टली अपने बनाए हुए नोट्स को गो थ्रू कर लो एंड साथ में आइडेंटिफाइड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो तो यू कैन गेट थ्रू। तो वही आपकी क्लासेस देखते देखते मैंने अपने खुद के पर्सनल नोट्स बना लिए थे, सो आई यूज दोज नोट्स अलॉन्ग विद स्टडी मटीरियल टू स्टडी फॉर द एग्जाम। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मतलब अगर मोटिवेटेड रहे तो एग्जाम में क्लियर हो जाए। यू आर टारगेटिंग फॉर रैंक? आप सोच रहे थे कि मैं रैंक लेकर आना है? सो मेरी इंटर आपके में पापा भी भी रैंक सीए हैं, थी। आपके पापा भी हाँ सीए हैं, तो वो डेफिनेटली वो भी उससे भी मोटिवेशन बहुत मिलती होगी। राइट, सो आई थिंक मेरी इंटर में भी रैंक थी एंड फाउंडेशन में भी रैंक थी, सो समवेयर और द अदर आई हैड इट इन द बैक ऑफ माई माइंड दैट आई वॉज टारगेटिंग इट, ऑल्दो आई नेवर डिस्कस्ड इट विद एनीवन बिकॉज इट क्रिएट्स अननेसेसरी प्रेशर ऑन यू, बट आई समवेयर एट द बैक ऑफ माई माइंड आई न्यू दैट आई वॉन्टेड टू डू वेल इन द एग्जाम एंड आई हैड अ रैंक इन माई माइंड, तो मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया था बट या डेफिनेट, क्या बात है, क्या बात है। फाउंडेशन में रैंक, इंटर में रैंक, फाइनल में रैंक, SRCC, ग्रेजुएट, डेलॉयट में आर्टिकलशिप, गजब। आगे क्या सोच रहे हो अपने लाइफ के बारे में? सो अभी आई हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फाइनेंस, सो आई एम टारगेटिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स फॉर कैंपस वेरी प्लेसमेंट्स, वेरी तो गुड। राइट चलिए, तो आपका एक इंटरव्यू और ड्यू रहा। जब आप कैंपस प्लेसमेंट आपका होगा तो एक इंटरव्यू आपको और देना है। जरूर जरूर चलिए, मैं डेफिनेटली वेट सर। करूंगा आपसे और एक बार मिलने के लिए। और दिल्ली में प्राइज सेरेमनी होगा, उसमें आपको एक बार आना है जरूर, ताकि हम चाहेंगे कि ये श्योर सर, लाइफ टाइम डेफिनेटली मेमोरी हो जाए, क्योंकि फिर तो आप लोग भी बिजी हो जाते हो अपने लाइफ में, फिर टाइम निकलता नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस मेमोरी को हम लोग एक गैदरिंग की तरह, एक अच्छे से फोटोग्राफ में हम लोग अपने प्राइज सेरेमनी को कंप्लीट करें। थैंक यू सर, मतलब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, या, थैंक आपको यू, आना ही है, ठीक है? जरूर सर जरूर।